दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र के शक्तिनगर इलाके में शुक्रवार की रात एक शादी समारोह में बड़ी संख्या में लड़के डीजे की धुन पर नाच रहे थे। इसी दौरान मोहल्ले के कुछ लड़कों और बारात में आए लड़कों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। थोड़ी ही देर में मोहल्ले के लड़कों ने अपने साथियों को बुला लिया। इसके बाद उन लोगों ने चाकू लेकर बारातियों पर हमला कर डाला। इस दौरान बारातियों और लड़कों के बीच जमकर मारपीट भी हुई। चाकू लगने से 7 बाराती बुरी तरह घायल हो गए हैं। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां 2 बारातियों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। दुर्ग मोहन नगर थाना क्षेत्र के शांति नगर में डोंगरगढ़ से आए बारातियों के साथ शुक्रवार की रात हुए विवाद में ताबड़तोड़ चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद आरोपी चाकूबाजी कर फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायल हुए 7 युवकों को दुर्ग के जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों द्वारा घायल हुए युवकों का उपचार किया गया। साथ ही इसमें से 3 युवकों को गंभीर चोट लगने से उन्हें रायपुर रेफर किया गया। इस संबंध में मौके पर उपस्थित मोहन नगर थाना व दुर्ग कोतवाली थाना के प्रभारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये करीब 9:30 बजे की बात है। शक्तिनगर में बारात निकली हुई थी और डीजे चल रहा था। मुस्लिम परिवार की बारात थी, तो उसमें कुछ लोकल लड़के घुस गए थे और किसी बात पे इनका विवाद हुआ है। और यहाँ के जो लोकल लड़के हैं उन लोगों ने चाकूबाजी कर दी है, जिसमें 5 लोग घायल हुए थे और उसमें से 3 लोगों को मेकाहारा रेफ़र किया गया है उचित इलाज के लिए और 2 लोगों का यहीं दुर्ग हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। डोंगरगढ़ से बारात आई थी। कहाँ गई थी बारात? बारात यहाँ शक्तिनगर में आई थी। कितने आरोपी इसमें लगभग शामिल होंगे? अभी तो करीब 3-4 लोगों का नाम, मतलब 3-4 लोगों के बारे में खबर मिली है कि 3-4 लड़के थे करके। आप लोग बताइए, क्या हादसा हुआ आप लोगों के साथ? सर, हम लोग शादी में गए थे, ठीक है। हम लोग का बाजा लगा हुआ था डीजे, हम डांस कर रहे थे लड़के लोग, मैं दूर में खड़ा हुआ था। लड़ी अचानक एक लड़का आया तो डांस करते करते एक लड़का चाकू दिखा दिया एक लड़के को। एक लड़का बोला उसने चाकू दिखा, दूर दूर करा तो चाकू निकाल के सबको दिखाने लग गया। लड़के लोग भी थोड़ा गुस्सा हो गया, हटाया उसको। तो जो 4 लड़के लोग आए भड़बड़ मारना चालू कर दिए। मैं दौड़ के गया, क्या हो गया करके, फिर देखा तो वहाँ चाकू भाई चल रहा था लड़के लोग, तो एक लड़का आया पीछे से मार दिया, तो पता भी नहीं चला। हम लोग शादी में बारात में थे, भाई का शादी था सर, 5 लोग थे। अपना नाम बताएं? सैयद खान। मामला जो है मोहन नगर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर एक बारात आई हुई थी और बारात में कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पर उनके साथ में धारदार हथियार से उनपर वार किया गया है, जिनमें 5 लोगों को चोट आई है और इन लोगों को, जिसमें से 3 लोगों को रायपुर मेकाहारा रेफर किया गया है। 2 की चिकित्सा जारी है और आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। क्या मामला पंजीकृत किया गया? अभी आरोपियों की पतासाजी की जा रही है, इसके पश्चात जो है वैधानिक धाराओं पर अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।